हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक गैस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पोको C3 में आप जो है गेम स्पेस या फिर गेम टर्बो का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपनी सिक्योरिटी ऐप में चले जाना है। आप कर रहता हूँ सिक्योरिटी ऐप, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर नीचे आ जाना है। ये देख सकते हैं ऐसे नीचे आ जाना, यहाँ पर गेम टर्बो के ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं गेम्स पहले से मैंने ऐड की हुई हैं। आपको सिंपली गेम ऐड करने के लिए यहाँ पर ये जो है प्लस का आइकन, इस पर क्लिक कर देना है या फिर यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी गेम जो है सभी मैप्स जो है शो होंगी। जो भी आप गेम ऐड करना चाहते हैं आपको सिंपली यहाँ से ऑन कर देना और आपकी जो गेम है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ से आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं इसे हम ऑन कर देंगे गेम टर्बो को। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए गेम टर्बो का आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप गेम्स को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं जो भी आपने ऐड की हुई हैं। यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। और भी यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर कॉल्स हैंड फ्री, जब भी आप गेम टर्म गेम खेल रहे होंगे आपको कॉल आएगी तो आप अगर इसे ऑन कर देंगे तो आपकी जो कॉल है वो हैंड्स फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स भी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई भी गेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर टच रिस्पॉन्स आप अपने हिसाब से सेंसिटिविटी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर गेम जो कंट्रोल होते हैं साइड में वो यहाँ से साइज घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं ये भी है मॉडरेट स्ट्रॉन्ग जो भी है, विजुअल्स वो भी एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्टोर भी कर सकते हैं सेटिंग्स को। तो ये है इसकी सेटिंग्स।